9 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। साल 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का भाग था। साल 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना गया। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक स्थान को इसके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य के राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्र नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। 9 नवंबर साल 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत गणराज्य में विलय हुआ। आजादी वाले दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। अगस्त से शुरू हुए जूनागढ़ के विलय का यह अध्याय नवंबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया। भारत की सेना ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। इस तरह से जूनागढ़ आज के दिन भारत का हिस्सा बना। 9 नवंबर साल 1953 को कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। कंबोडिया से पूर्व इसे कंपुचिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका नेतृत्व राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोक ने किया। पनहाम पेन इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है। कंबोडिया का उदय एक समय शक्तिशाली रहे हिंदू और बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया था।